एज में थे 1989, लेकिन जब भी स्कूल आते हैं तो लगता है कि हम उसी समय में हैं। और ये आने वाले समय में आप लोग के साथ भी होगा, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा। आप लोग भी जब यहाँ आइएगा, हम लोग भी वहां बैठते थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा से यहीं थे, हम लोग भी वहां ऐसे ही बैठते थे, हम लोग भी प्रतियोगिता में भाग लेते थे, मुख्य अतिथि आते थे, सुनते थे। और इस दौर से सब लोग गुजरते हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है। हम धन्यवाद देंगे डॉन बॉस्को को कि एक बहुत ही बेहतरीन आयोजन कम समय में। और इस आयोजन के बारे में अगर आप जानते होंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं भी आप जानते हैं तो आपके लिए जानना आवश्यक है। हम सब अपने जीवन में परीक्षा देते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, किसी भी उम्र में हो। आपको लगता होगा कि 10th 12th दे दिए, ग्रेजुएशन में चले गए, परीक्षा हो गया। हम लोग अभी भी परीक्षा देते हैं। 2020 में मेरा चुनाव हुआ, वो भी मेरी परीक्षा थी। 5 साल हम काम कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ते हैं कि आप आगे बेहतर करेंगे, और एग्जामिनर के ऊपर है कि आपने अपने आंसर शीट में क्या लिखा है, उस हिसाब से आपका वो नंबर देते हैं। हमारे परिस्थिति में देखिएगा कि हमने 2020 में परीक्षा दिया, झंझारपुर के जितने लोगों ने मेरी कॉपी जांची, यानी हमारे मतदाता, उन्होंने मुझको पास किया, और पास किया डिस्टिंक्शन से, क्योंकि हम 42,000 से जीते। और अब मेरे ऊपर है कि इस 5 साल में हम कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि मेरी परीक्षा फिर होगी, और अगर हमने बेहतर हम काम करेंगे तो हमारे जो एग्जामिनर रहेंगे, जो हमारे मतदाता है, वो हमको पुनः मौका देंगे, या मेरा काम संतोषजनक नहीं लगा तो हमको कहेंगे कि अब आप छोड़ दीजिए। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम किसी भी उम्र में हो, हमको परीक्षा देना ही देना है। और ये भी मत समझिएगा कि परीक्षा ही सब कुछ है, या परीक्षा ही जीवन है, और परीक्षा ही अगर नहीं सही हुआ तो मेरा जीवन समाप्त है, ऐसा नहीं। हम लोग के सामने में आज हमारी मुख्य अतिथि परम आदरणीय दुलारी देवी जी उपस्थित है। उनके बारे में प्रारंभ ही बताया गया, हमारी मिथिला की गौरव है और हमें गर्व है इन पर। एक साधारण परिवार में जन्म लेके इनकी जीवन यात्रा संघर्ष में रही, और उस संघर्ष को इन्होंने चुनौती माना, और चुनौती को स्वीकार करते करते 2021 में ये पद्मश्री तक चली गई। हमारे यहाँ की, हमारे घर की। और आज देखिए, हम लोग तो कहीं आते हैं, कार्यक्रम है, झंझारपुर में है, जो बुलाएंगे हम जाएंगे। मेरी दिली इच्छा थी कि नहीं, आज के आयोजन में दुलारी जी अगर समय देती हैं, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं अपने एलिए, और अपने के आवश्यक के एक हम गणमान्य जी कि हाँ, हमारे विधानसभा क्षेत्र में जी अपने झंझारपुर एलिए ही है। और सब पैघ बात की आए, बच्चा सबके बीच में एक उदाहरण अपने छे कि अगर अहां जीवन में ठान ले छी, अगर अहां संकल्प कर ले छी, तो आपके लिए कोई सीमा नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं। और इसलिए इनका आज आना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा ये आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में सब जानते हैं, मुझको लगता है, और ये मुझको ही नहीं, जो अगर उनके विरोधी भी होंगे राजनीतिक रूप से, वो भी मानते होंगे कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें विगत 8-9 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने कोई कार्य ना किया हो। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि कोई देश का प्रधानमंत्री बच्चों से, शिक्षकों से, अभिभावकों से संवाद करेंगे परीक्षा के बारे में, कि बच्चों की मनोस्थिति क्या होती है। आप लोग किस किस कक्षा के हैं बताइए, 8 से ऊपर ही है कि 8 के नीचे वाले भी है? 9, ठीक है। तो आप ये कल्पना कीजिए कि जब आप 10th में जाएंगे, या उन बच्चे जो अभी, वो बच्चे जो अभी 10th में हैं, या जो अभी 12th का एग्जाम देंगे, उनकी स्थिति क्या होती है, कितने स्ट्रेस में वो रहते हैं। वो स्ट्रेस क्या है, हमारे परफॉर्मेंस का, कि अगर हमको नंबर नहीं आएगा ज्यादा तो हम आगे क्या करेंगे, मेरा एडमिशन कहाँ होगा, मेरा दाखिला कहाँ होगा, हम कहाँ जाएंगे।
आप चिंतित होते हैं तो आपके घर में आपके अभिभावक आपके गार्जियन चिंतित होने लगते हैं कि भाई मेरे बेटे का मेरी बेटी का क्या होगा, परीक्षा है। बहुत बार हम लोग भी देखते हैं कि माँ बाप द्वारा भी कहीं ना कहीं वो तनाव कि नहीं तुमको इतना नंबर लाना ही है, इतना कम क्यों आया, 98 आया तो 2 नंबर तुम्हारा क्यों कटा, इस तरह का भी बहुत सारा उदाहरण आता है। हमारे शिक्षक हमारे जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चे का रिजल्ट कैसा आता है, उनको नंबर कैसा आता है, उनका आगे में भविष्य क्या बनता है, उनका करियर क्या होता है, यही सब सोच के प्रधानमंत्री जी ने 2008 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रारंभ किया। और अगर आपने देखा है बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखा है तो 27 तारीख को उनका ये कार्यक्रम होना है, 27 जनवरी को ही, आप जरूर देखिएगा। और अपने घर में अपने अभिभावकों को भी कहिएगा, और हम तो इस विद्यालय में भी सभी को कहेंगे कि अगर आप देखते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं देखते हैं तो आप जरूर देखिए। और आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, YouTube पर आपको पुराने जितने भी उनके परीक्षा पर चर्चा हुए हैं आप सबको देख सकते हैं। और जितनी आसानी से परीक्षा के विभिन्न पहलुओं को प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं और बच्चों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाते हैं, वो एकदम आप देखिएगा तो आपको सही में अपने आप में अंतर पड़ेगा। आज एक पुस्तक हम लोगों ने दिया है, एग्जाम वॉरियर, विभिन्न भाषाओं में है। जो लोग पुरस्कृत हुए हैं उनको तो ये मिलेगा ही, और जितने बच्चे आज पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिए थे सभी को मिलेगा। और इसमें आप जरूर पढ़िएगा, ये हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, अन्य रीजनल क्षेत्रीय भाषाओं में भी है। इसमें बच्चों के लिए मंत्र है, मतलब आप जैसे बच्चों के लिए मंत्र है कि एग्जाम के स्ट्रेस को कैसे दूर करें, एग्जाम में को वरी नहीं बनाए, मतलब चिंता ना करें, वॉरियर बने। वॉरियर आप सब समझते हैं ना, जो लड़ाकू एक योद्धा होता है। तो एग्जाम को हम कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि एक योद्धा की तरह एग्जाम का सामना करके एग्जाम को हम परास्त करें। तो इसमें बच्चों के लिए तो मंत्र है ही, अभिभावकों के लिए भी है, कुछ एक्टिविटी भी इसमें दी हुई है, तो जब आपको मिलेगा आप देखिएगा। और ये लेटेस्ट एडिशन है, अभी तुरंत आया है, हमने विद्यालय को उपलब्ध करा दिया है, ये प्रति प्रधानमंत्री जी की लिखी हुई है, तो ये जरूर पढ़िएगा। और आप पढ़िएगा तो जरूर आप ये महसूस करेंगे कि आपकी अपनी सोच में बदलाव आया है और आप पॉजिटिव एनर्जी आप में भर जाएगी, यू विल बी फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। और एक चीज और आपको बताएंगे, आप प्रधानमंत्री जी आज जिस आयोजन पर हम आए हैं, एक पेंटिंग प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता जिन बच्चों ने भाग लिया, यहां बैठे हुए किन्हीं ने भाग लिया था आज के पेंटिंग प्रतियोगिता में, हाथ उठाइए, बहुत बढ़िया। अलग अलग विषय थे, कितने विषय थे टोटल लिस्ट में, विद्यालय ने आपको सूची बताई थी? 9। एक दो कोई नाम बताइए तुरंत, विषय क्या था कोई बताइए? चलिए फेवरेट स्पोर्ट्स, और क्या था? एग्जाम स्ट्रेस। और क्या था? एग्जाम इज अ फेस्टिवल। और बहुत बढ़िया। तो देखिए इसी तरह के अलग अलग ऐसे विषय थे जो आपके मनोस्थिति को दर्शाता, आपके मन में भी वही सवाल, शायद आज 9th में आप हैं तो आपको वो चिंता शायद उतनी नहीं आ रही होगी जो बोर्ड्स की आती है। और अब तो आप लोग के लिए आने वाले समय, या जो अभी बच्चे थोड़े जूनियर क्लासेस में हैं, जो हमारी नई शिक्षा नीति जब अभी आई है और 34 वर्षों के बाद आई है, आप उसमें एक जिसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं ना, एक व्यापक बदलाव आप देखेंगे आने वाले समय में कि विद्यालयों के पढ़ाने के तरीके, जिन विषयों को आप पढ़ते हैं, जो आपको सिखाए जाएंगे, उसमें एकदम आप समझिए 360 डिग्री का परिवर्तन होने वाला है। आपके इवैल्यूएशन कैसे होंगे? हम एग्जाम में तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, उस दिन हम गए, मेरी तबीयत खराब हो गई, क्वेश्चन पेपर आया, मैं नर्वस हो गया,
चीजें मुझको आ रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं, हम अपने नर्वसनेस के कारण हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, घबराहट हमको हो गई, नंबर हमको कम आया तो हमने अपने आप को मान लेते हैं कि हम फेलियर हैं, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो मेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला। और आप वही मानिए, प्रधानमंत्री जी का वही जोर है कि ये परीक्षा जीवन ही नहीं है, कि आप समझ लीजिए कि ये परीक्षा मेरा अच्छा नहीं हुआ तो मेरा जीवन समाप्त हो गया, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज पूरी दुनिया में आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जो शायद अपने प्रारंभिक शिक्षा में या कॉलेज में वो ड्रॉप आउट थे, पढ़ाई उन्होंने बीच में छोड़ दी, या शायद बहुत अच्छे विद्यार्थी पढ़ाई में नहीं भी रहे होंगे, लेकिन आने वाले समय में आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमको मिलेंगे, और आप भी भले मेरी बातें शायद आज आपको उतनी अपने आप को शायद आप रिलेट कर पाए या ना कर पाए, या मेरी बातें आपको कितनी सार्थक लग रही है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर समझिएगा कि आप जिस जेनरेशन में हैं, आप जिस पीढ़ी में हैं, मैं उसको ब्लेस्ड जेनरेशन मानता हूं। और ब्लेस्ड जेनरेशन मैं इसलिए मानता हूं कि जितनी टेक्नोलॉजी का एडवांटेज आपको है, हम लोग उस जेनरेशन में जब आपके एज में थे तो उतनी टेक्नोलॉजी हमारे लिए उपलब्ध नहीं थी। आज बायजूस है, क्या क्या है, आपको रीडिंग मटेरियल्स ऑनलाइन उपलब्ध है, आप जो चाहे जो सब्जेक्ट सीखना चाहे पढ़ना चाहे आपको सब ऑनलाइन उपलब्ध है, ये हमारे समय में नहीं था। लेकिन आप पर ये निर्भर करता है कि आप उसका इस्तेमाल सही दिशा में कर रहे हैं, आपके पास जो समय है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप सही दिशा में कर रहे हैं, या उसका अनर्थक उपयोग करके आप अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं। 388 सिनेमा कितनों ने देखा बताइए, बहुतों ने देखा। उसमें एक कुछ अगर हम कहें कि दो लाइन बड़ा अच्छा था, एक संदेश था उसमें, किसी कोई बता सकता है? उसका ना कामयाब कुछ क्या कुछ है, कुछ ध्यान है किसी को, है याद किसी को? और क्या था बताइए, नहीं ध्यान आ रहा है। उससे पहले का एक लाइन, कामयाब नहीं काबिल बनो, कामयाब नहीं काबिल बनो। और जो फिर इस बच्ची ने कहा है वही, अगर कामयाब नहीं काबिल बनोगे तो कामयाबी तो झक के तुम्हारे पास आएगी। तो अगर आप इसको समझ पा रहे हैं ना, अगर इस विषय को अगर आप समझ रहे हैं, तो ये आपके पूरे जीवन का सार है।